हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है सब लोग अच्छे हैं। तो स्वागत है आपका अपना क्लासिक म्यूजिक बैंड में। दोस्तों, बहुत ही प्यारा सॉन्ग आपको ट्रम्पट बहुत ही जल्दी सिखाने के लिए मैं आ गया हूँ यहाँ पे। बहुत प्यारे प्यारे सॉन्ग जो ज़्यादा चलते हैं, यूजफुल सॉन्ग। तो आज आपने टाइटल थंबनेल देख कर पता लगा होगा, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। दोस्तों, आप गाने अच्छे से याद करें, बहुत अच्छे से रियाज करते रहेंगे तो आप बहुत ही जल्दी ट्रम्पट सीखते रहेंगे। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें ऐसी हैं जो ज़्यादा आपको यूजफुल हैं, ये इन सरगम में, कुछ सरगमें जो होती हैं सरगमें ज़्यादा यूजफुल रहती हैं। तो मैं आपको गाना भी बताऊंगा, गाना किस तरीके से निकलेगा, और सरगम भी बताऊंगा, सरगम कौन कौन से सुर लगते हैं इसमें, और इन चाबियों से और भी कितने गाने निकल सकते हैं। आप बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर आप ये अच्छे से याद कर लेंगे ये चीज़ें, तो आपको कोई गाना निकालने में दिक्कत नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं होगी, बहुत प्यार से आप निकाल सकते हैं। तो बहुत ही प्यारा सुर है इसका, बहुत ही प्यारे सुर लगते हैं, इससे बहुत सारे गाने निकलते हैं इन सरगम से। ये गाना भी निकलेगा, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, ये भी निकलेगा, और भी सारे गाने इसमें बहुत निकलेंगे, ताकि आपको और भी गाने निकालने में आसानी होगी। लेकिन आप इस सुरों को अच्छे से देख लें, अच्छे से समझ लें कौन कौन से सुर लगते हैं। दोस्तों, बस गाने के जो एक राग टाइप सा होता है, राग बनता है, ये राग जो बहुत सारे राग होते हैं, इनमें सरगम आप अच्छे से इन रागों को याद कर लेंगे, बहुत ही प्यारा सुर लगते हैं। जिस सुरों को अच्छे से आप जब याद कर लेंगे, तो इसमें बहुत सारे गाने आपको इजीली मिलेंगे, बहुत सारे गाने आपको बहुत ईजीली मिल जाएंगे, आप इजीली बजा सकते हैं। ये नहीं कि ये गाना निकलेगा इस राग से, इस सरगम से, ये नहीं कि ये गाना निकलता तुम दिल की धड़कन में रहते हो, ये भी गाना निकलता है इसके साथ, और भी बहुत सारे गाने आपको माइंड में जो होंगे फंसे हुए, वो आपको खुद ब खुद में नजर आएंगे कि हाँ ये भी गाने इसी से, इन सुरों से निकले। तो इस इन सुरों को याद कर लें, कौन कौन सुर लग रहे हैं, कौन कौन से सुर लग रहे हैं, ध्यान से देखें। बहुत ही प्यारे सुर लगते हैं, बस इन सुरों को आप अच्छे से अल्टी पल्टी मारें बार बार, इन सुरों को आप बहुत देखें, देखें इसमें कौन कौन से सुर लगे, देखें। तो दोस्तों, बहुत अच्छे से आपको इन सुरों को देखना, ये बहुत प्यारे सुर हैं, इन सुरों को जब अच्छे से आप रियाज कर लेंगे, तो आपको बहुत सारे गाने मिलेंगे। ये गाना भी बहुत जल्दी मिल जाएगा, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, और बहुत सारे गाने देखें मैं इसमें कौन कौन से गाने निकलते हैं, मैं देखता हूँ। पहले इन सुरों को याद करें, तो बहुत ईजिली आपको ये गाना निकल जाएगा। आप इससे इन सुरों को बहुत अच्छे से दाब, बहुत ईजिली मेरे साथ साथ इन सुरों को याद कर लें, बहुत ईजिली आप इन सुरों को बहुत अच्छे से याद करें, देखिए। और करीब आ रहा हूँ दोस्तों मैं आपके, अब यहाँ से गाना लगा सकते हैं, देखें। बहुत ही जिली गाना है, फिर से देखें। Thank you.
मुक्ति जी लिए उसमें गाना मिल जाएगा। आप बस इन सुरों को अच्छे से समझ लें और अच्छे से याद कर लें, खूब प्रयास कर लें, देखें कौन कौन से सुर लगाएं। बस इन सुरों को बहुत अच्छे से याद कर लें, खूब तेज से स्पीड से, फिर आपको बहुत सारा गाने, ये बहुत इजीली गाना मिल जाएगा। अपने मेरे पास कमेंट आई थी कि हाँ इस गाने को निकालें तुम दिल की धड़कन में, तो मैंने सोचा इसके साथ साथ आपको और भी चीज़ें बता दूँ, ये गाना भी बहुत इजीली आपको मिल जाएगा और बहुत सारे गाने। बस इन सुरों में टहलें आप जैसे, देखें तो दोस्तों इसका जो म्यूजिक ऐसी, बस म्यूजिक भी आपको ऐसे मिल जाएगा और उसका जो अंतरा है वो भी आप बहुत ही जल्दी निकाल सकते हैं। दीवानों सा हाल हुआ हमको उनसे प्यार, ये भी बस इन्हीं शुरू से लग लगा, अंतरा भी इन्हीं शुरू से लग लगा। आप देखें दोस्तों, बहुत इजीली गाना को मिल जाएगा, पर इन सुरों को आप अच्छे से, इस सरगम को बहुत अच्छे से याद करें। देखें फिर से एक बार और देखें, ध्यान से बिल्कुल मेरे साथ साथ बजा और खूब इसे रोट याली आराम से खूब अच्छे से इसे प्रयास कर लें, उसके बाद बहुत सारे गाने आपको बहुत इजीली मिलेंगे। देखें किस तरीके से इस सरगम में, तो दोस्तों ये सरगम से बहुत सारे गाने आपको मिलेंगे, जैसे बहुत प्यारा जो मेरे सरकार आए हैं, ये भी गाने चलते हैं। बहुत चीजें ऐसी मिलेंगी आपको और एक बहुत सारे दोस्त यहाँ पे गाने मिल रहे हैं, ये भी गाने देखो ऐसे कर रहा है, झूठ नहीं बोलना यारा सच कहना, ये गाना भी इसी सरगम से निकलेगा। देखें दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारे गाने मिलने हैं, इस सरगम से आप बहुत इजीली आप त्रिपुर सीख सकते हैं और बहुत ही सारे गाने। तो बस इस सरगम को बहुत अच्छे से याद कर लें, देखें इस सरगम को बहुत अच्छे से याद कर लें, इन सुरों को बहुत अच्छे से याद कर लें। देखें फिर से एक बार लास्ट में फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, बहुत सारे आपको गाने यहाँ मिल जाएंगे, बस इस सरगम को अच्छे से याद कर लें, ध्यान से एक बार और देखें। तो दोस्तों आपने देखा बहुत इजीली आपको गाना समझ आ गया होगा और बहुत इजीली आप सीख सकते हैं। दोस्तों बस ऐसी महत्वपूर्ण चीजें इन सरगमों को अच्छे से याद कर लेंगे तो उसमें बहुत सारे गाने मिलेंगे, क्योंकि यही राग जो होते हैं इनसे बहुत सारे गाने निकलते हैं। तो इन सुरों को जब अच्छे से याद कर लेंगे, इस सरगम को अच्छे से आरोही अवरोही इसको खूब अच्छे से तैयारी करें, उसके बाद आपको गाने निकालें,
बहुत इजीली आपको गाना मिलेगा। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, ऐसे गाने आपको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट में जो भी गाने बनते हैं आपको सब गाने यहाँ मिल जाएंगे। आपको फिर ज़्यादा मुझे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बस इस चीज़ को अच्छे से याद कर लें। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण सरगमे हैं, महत्वपूर्ण जो राग हैं मैं आपको बताऊँगा, उस रागों से आप बहुत इजीली आप लाखों करोड़ों गाने बस निकाल लेंगे। आपको कोई ज़्यादा कमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सर ये गाना कोई नहीं, आप बस इन सरगों को याद कर लेंगे तो आप खुद ब खुद अपने जहन में अच्छे से फांसे सुने, उसके बाद खुद ट्राई करें और निकाल लेंगे। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल पे और सीखते रहिए। ट्रम्पेट बहुत ईजीली आपको यहाँ पे सीखने को मिल रहा है और यहाँ बहुत अच्छे सीख सकते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं अगर पहली बार देख रहे हैं तो वो अच्छे से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको अच्छे से मैं सिखा सकूँ, अच्छे से उनको बता सकूँ और वो अच्छे से सीख सकें अपना ट्रम्पेट अपने घर बैठे ईजीली। दोस्तों तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।